बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को सांप ने डसा। दबंग खान देर रात अस्पताल में हुए भर्ती। हर साल की तरह सलमान खान अपने परिवार के साथ पनवेल फार्म हाउस पर क्रिसमस, अपना बर्थडे और नए साल का जश्न मनाने पहुंचे थे, लेकिन क्रिसमस की रात वो स्नेक बाइट का शिकार हो गए। रात में जब सलमान ने सांप के काटने की शिकायत की तो उन्हें आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया। सांप के काटने के बाद सलमान खान को नवी मुंबई के कामोठे इलाके के महात्मा गांधी मिशन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्हें रात 3 बजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उपचार के बाद सलमान को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। सलमान सुबह 9 बजे अपने फार्म हाउस पर लौटे। उनकी तबीयत अब ठीक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सांप बिना जहर वाला था, इसी वजह से एक्टर पर उसका कुछ खास असर नहीं हुआ। फिर भी डॉक्टरों ने उन्हें 6 घंटे तक भर्ती करके उनके अच्छे से चेकअप किया और ये कंफर्म होने पर कि सलमान के ऊपर सांप के जहर का कोई असर नहीं हुआ है, उन्हें डिस्चार्ज किया गया। सलमान के फैंस इस खबर को सुनकर चौंक गए हैं। राहत की बात यह है कि सलमान की सेहत को कोई खतरा नहीं है। गौरतलब है कि सलमान का अर्पिता फार्म हाउस पहाड़ियों और जंगल से घिरा हुआ है। उनके फार्म हाउस पर सांप, बिच्छू, अजगर और दूसरे जंगली जानवर अक्सर दिखते हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी सलमान इस तरह के हादसे के शिकार नहीं हुए थे। बता दें कि 27 दिसंबर को सलमान खान का जन्मदिन है। वो 56 साल के हो जाएंगे। परिवार के साथ वो हर साल अपना बर्थडे फार्म हाउस पर मनाते हैं। इस साल भी वो फैमिली के साथ ही रहेंगे। सलमान अपने फार्म हाउस पर वक्त बिताना बेहद पसंद करते हैं। जब भी उन्हें शूटिंग से फुर्सत मिलती है वो अपने फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। वहां वो स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, बाइक राइडिंग, खेती और पशुपालन करते हैं। सलमान को घुड़सवारी और बाइक राइडिंग का बेहद शौक है, इसलिए सलमान के फार्म में घोड़ों और बाइक को खास जगह मिली है। साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान वो 3 से 4 महीने तक अपने फार्म हाउस पर ही रहे थे। इस दौरान उन्होंने खेतीबाड़ी और पशुपालन करके अपना वक्त बिताया था। आपको बता दें कि सलमान खान का ये फार्म हाउस नवी मुंबई के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की पनवेल में स्थित है। फार्म हाउस मुंबई से महज 2 घंटे की दूरी पर है। सलमान ने अपना ये फार्म हाउस बहन अर्पिता को गिफ्ट किया है और इसी वजह से उसका नाम अर्पिता फार्म रखा गया है। सलमान खान का ये फार्म हाउस करीब 150 एकड़ में फैला है। इस फार्म हाउस में कई कमरे हैं। उनका पूरा परिवार ही नहीं बल्कि कई करीबी दोस्त भी यहाँ आकर ठहरते हैं। सलमान के फार्म हाउस में उन्होंने काफी पेड़ लगा रखे हैं। फार्म चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है। यहाँ कई प्रकार की खेती भी की जाती है। खुद सलमान खान खेतीबाड़ी में काफी रुचि लेते हैं। कम ही लोगों को पता होगा कि इस फार्म हाउस में सलमान की हिट फिल्म्स बजरंगी भाईजान और ट्यूबलाइट की भी शूटिंग।